हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुपेश टेक। तो आज की इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वो TCS केस ज्वाइनिंग और अनबोर्डिंग अपडेट के ऊपर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि TCS कंपनी की तरफ से अनबोर्डिंग की डिले काफ़ी ही ज़्यादा हो रही है। ये अनबोर्डिंग 2021 से जो है ऑन होल्ड पर चल रही है और कई ऐसा स्टूडेंट है जिनकी अनबोर्डिंग 1 ईयर डिले है, कुछ लोगों की 2 ईयर डिले है, तो कुछ लोगों की 1.5 ईयर डिले है। ये काफ़ी लंबे समय से डिले चल रही है, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसे स्टूडेंट है जिनको अनबोर्डिंग के लिए मेल आ चुका है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इनके द्वारा TCS के ज्वाइनिंग रेटनेस सर्वे मेल आया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अच्छी तरह से कि किनको ऑनबोर्डिंग का मेल आया है, किनको सर्वे का मेल आया है, कौन ऐसे बैच है जिनको मेल आ रहा है, कौन ऐसे बैच है जिनको मेल नहीं आ रहा है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे और आपकी फिजिकल ट्रेनिंग होने वाली है या फिर वर्चुअल ट्रेनिंग होने वाली है उसके बारे में भी बात करेंगे। आपकी ऑफर लेटर कब रिलीज हो चुकी आएगी, कब नहीं होगी, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो डिटेल्स में हम बात करने वाले हैं। उससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, एक और सूचना है आप लोगों के लिए कि यदि आपके पास कोई मन में डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, यदि आपको YouTube पर जब कमेंट करते हैं आपको रिप्लाई ना मिल पाए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज जो है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं rupees__tech। यहाँ पर आप जाकर संपर्क कर सकते हैं, यहाँ से आपको जो है डायरेक्टली रिप्लाई मिलेगा एट इंस्टेंट, ठीक है। तो इससे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इस सर्वे मेल के बारे में। जैसा आप देख रहे हैं, डोंट मिस TCS ज्वाइनिंग रेडनेस सर्वे मेल, TCS एक्सप्लोर सपोर्ट @TCS.com की तरफ से आया है। इसमें इन्होंने क्या मेंशन किया है कि डियर कैंडिडेट हु ट्रस्ट यू आर डूइंग वेल, ठीक, दैट इज सर्वे टू नो अबाउट योर रेडनेस टू ज्वाइन TCS बेस्ड ऑन बिलो क्राइटेरिया। यहाँ पे ये जो है आपके बिलो क्राइटेरिया, आपके क्राइटेरिया के बेसिस पे जो दिए हुए हैं उसके बेसिस पे आपकी जो है चॉइस मांग रहे हैं कि आप ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। जिसमें इन्होंने पहले क्या लिखा है, विलिंग टू ज्वाइन एनी TCS लोकेशन अक्रॉस इंडिया एज पर TCS बिजनेस रिक्वायरमेंट। जैसा कि आपको पहले भी पता है कि सारी कंपनियाँ अभी क्या कर रही हैं, ज्वाइनिंग के लिए बिजनेस रिक्वायरमेंट की काम कर रही है। बिजनेस रिक्वायरमेंट के बेसिस पे ये बोल रही है आपको कोई भी लोकेशन दिया जाएगा उस लोकेशन पे आप शिफ्ट करने के लिए रेडी हैं, रिलोकेट करने के लिए रेडी हैं। तो जैसा इन्होंने TCS ने ही बोला है। सेकेंड क्या, लोकेशन चेंज रिक्वेस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग विल नॉट बी कंसीडर, यानी आप एक बार जब ज्वाइन कर लेते हैं, ज्वाइन करने के बाद आपका TCS में जो है लोकेशन चेंज जो है कंसिडर नहीं किया जाएगा। लोकेशन चेंज विल नॉट कंसिडर, नॉट कंसिडर, यानी एक बार ज्वाइन करने के बाद आपकी लोकेशन चेंज नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट लिखा, पोस्ट ज्वाइनिंग लेटर इंश्योरेंस एनी रेसिड्यूल रिक्वेस्ट विल नॉट बी कंसिडर। एक बार आपकी ज्वाइनिंग लेटर रेसिड्यूल की जाए, एक बार आपकी ज्वाइनिंग लेटर रिलीज हो जाती है, उसके बाद ये किसी भी तरह से रिलीज नहीं किया जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जो अपने ऑनबोर्डिंग का वेट कर रहे हैं, ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। इस केस में यदि आप TCS के पास जाएंगे कि मेरा एक बार ज्वाइनिंग फिर से रेसिड्यूल कर दो, तो ये सही नहीं लगता है और आपको रेसिड्यूल किया भी नहीं जाएगा। इस तरह से जो है आपका टर्मिनेशन हो जाएगा अगर दोबारा रेसिड्यूल करवाते हैं तो यही आपकी जो है क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपके जो है सर्वे में लिए ले रहे हैं। सर्वे में कैसे भरना है, यहाँ पे लिंक आपको दिया हुआ है, फॉलो दिस लिंक फॉर द सर्वे में। तो आपको करना क्या है कि यहाँ जो लिंक दिया हुआ है, जहाँ आप देख सकते हैं फॉलो दिस लिंक टू द सर्वे, यहाँ जो एक लिंक दिया हुआ है इस लिंक पे जो है आप क्लिक करके डायरेक्टली इसके सर्वे मेल को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लिंक है आपको पेस्ट करना होगा। यदि इस पे भी ये नहीं कर पाते हैं तो आपको जो है ये लिंक यहाँ से कॉपी करना होगा, कॉपी करके पेस्ट करना होगा गूगल में और जाके आपको जो है फिल करना होगा। तो इस तरह से जो है आपको अपना सर्वे मेल फिल करना है। ये मेल जो है आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग के लिए दी गई है। और एक बात का ध्यान रखना है कि इस सर्वे मेल को आपको बाई 24th में, यानी टुमारो 24th May 2023 तक सबमिट कर देना है, यानी कल तक आपको सबमिट कर देना है आपके इंटरेस्ट के बारे में। यदि आप सबमिट नहीं कर पाते तो ये मान लिया जाएगा कि आप जो है TCS ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं है, आप कहीं और ज्वाइन कर चुके हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा था TCS के सर्वे मेल के बारे में। उसके बाद जो हम बात करने वाले हैं उसके ज्वाइनिंग अपडेट के बारे में। तो कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको अब ज्वाइनिंग का मेल आना शुरू हो चुका है, वैसे स्टूडेंट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो फिलहाल जो ज्वाइनिंग का मेल आ रहा है ये करेंटली जो है 2022 बैच वालों को आ रहा है, 2022 बैच वालों को जो है ज्वाइनिंग का मेल आ रहा है। 2023 वालों को नहीं आया है, 2023 वालों को नहीं, 2022 बैच वालों को आ रहा है ज्वाइनिंग का मेल, ठीक है। 2023 का जब आएगा तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा।
तो ज्वाइनिंग मेल में आपको मिला होगा एक मेल जिसमें इन्होंने लिखा है, वेलकम टू टीसीएस एक्सपीरियंस, फिजिकल ज्वाइनिंग एट टीसीएस ट्रेनिंग लोकेशन एंड फर्स्ट कनेक्ट सेशन एट 2 PM ऑन 22 मई 2023 टुमारो, DOG 8 जून 2023। ठीक है, तो आपका जो है ट्रेनिंग लोकेशन के लिए कनेक्ट सेशन जो है ऑलरेडी जो है कल हो चुका है और आपकी ज्वाइनिंग जो है 8 जून को शेड्यूल की गई है, 8 जून 2023 को जो है शेड्यूल की गई है। ठीक है, तो 8 जून को जो है आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी टीसीएस में। इसके लिए इन्होंने क्या बताया कि फिजिकल ज्वाइनिंग, वेलकम टू फिजिकल ज्वाइनिंग एट टीसीएस ट्रेनिंग लोकेशन फर्स्ट कनेक्ट सेशन। तो ये जो ज्वाइनिंग होने वाली है फिजिकल ज्वाइनिंग होने वाली है, वर्चुअल ज्वाइनिंग नहीं होने वाली है। तो आपको जो है जहां भी ऑफिस दिया गया है उस ऑफिस पे जाकर अपने आप को रिपोर्ट करना है, वहां पे जाकर ज्वाइनिंग मिलेगी। नेक्स्ट इन्होंने क्या लिखा है, डियर कैंडिडेट ए वार वेलकम एट टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, ट्रस्ट यू एंड योर लव्ड वंस आर कीपिंग सेफ, दिस मेल इज विथ रेफरेंस टू द टीसीएस ज्वाइनिंग लेटर रिलीज ऑन टू यू 21 मई 2023 विद ज्वाइनिंग डेट एज 8 जून 2023। यू कैन डाउनलोड योर ज्वाइनिंग लेटर नेक्स्ट एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम नेक्स्ट स्टेप पोर्टल्स टीसीएस कैंपस। ठीक है, तो ये जो ज्वाइनिंग लेटर है वैसे स्टूडेंट को दिया गया है जिनकी की ऑफर लेटर 21 मई को, 21 मई 2023 को रिलीज किया गया था और उनकी ज्वाइनिंग जो है अब 8 जून 2023 दिया गया है, यानी 8 जून को जो है इनकी ज्वाइनिंग होने वाली है। ठीक है, तो आप जितनी जल्दी सर्वे मेल को फिल करेंगे, जो आपको सर्वे मेल दिया गया है 24 मई से पहले भरने, जितनी जल्दी सर्वे मेल करेंगे उतनी जल्दी आपकी भी जो है ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग की शेड्यूल आनी शुरू हो जाएगी। तो इससे पहले कि आप वेट करें, उससे पहले आप जल्दी से जल्दी जाकर आप फॉर्म को फिल करेंगे, सर्वे लिंक को फिल करेंगे। तो ठीक है, 8 जून को ज्वाइनिंग होने वाली है, जो ज्वाइनिंग होने वाली है फिजिकल ज्वाइनिंग लोकेशन पे जानी होगी, आपको ज्वाइन करना होगा। ठीक है, 8 जून की ज्वाइनिंग के फिजिकल ज्वाइनिंग लोकेशन जो है उसके लिए आपको एक टीसीएस आईएन पे जाके आपको एक यहाँ पे कम्युनिटी पेज मिलेगा, टीसीएस फिजिकल ऑनबोर्डिंग कम्युनिटी 8 जून 2023, ये जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ से आपके डाउट जो है यहाँ पे आपकी एक बॉन्ड बन जाती है, जैसे स्टूडेंट आएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस कम्युनिटी को ज्वाइन करेंगे, वहाँ से अपने डाउट को शेयर कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, जो भी डाउट होगा आप यहाँ पे रिजॉल्व आउट कर लेंगे। सेम बैकग्राउंड के बच्चे होंगे तो आपको जो है अच्छा लगेगा और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, टीसीएस के आईएन पोर्टल पर जाकर आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बाद बाकी बात कर लेते हैं वैसे स्टूडेंट जिनकी 21 मई को रिलीज हुई थी उसके बारे में, तो ज्वाइनिंग लेटर जो इसकी जनरेट हुई थी जैसा आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे। देखिए हर लोगों को जो है क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पोर्टल को बार बार चेक करते रहना है, वहीं पे जो है आपकी सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि आपकी ज्वाइनिंग कब है, बैच हुई है नहीं हुई है। तो ये जो है अप्लीकेशन रिसीव्ड किया गया था, अप्लीकेशन जो है 15/7/2021 को डाले थे, यानी 2021 में अप्लीकेशन डाले थे और अप्लाई फॉर ड्राइव भी जो है उसी दिन लगा दिए थे। मतलब उसका जो है अप्लाई फॉर ड्राइव जो है आता है ऑप्शन, उसी दिन वो उन्होंने चॉइस कर लिया था। कैंडिडेट को जो बैच हुआ था ये 30/9/2021 को जो है इनकी बेस्ट हो गई थी। बेस्ट करने का मतलब है आपकी ऑनबोर्डिंग अब जो है होने वाली है, आप शेड्यूल हो चुकी है, आपकी बैच वाइज जो है ऑनबोर्डिंग ज्वाइनिंग होने वाली थी। इसलिए अगर आपका स्टेटस बैच बताता है तो इसके लिए आपको ये करना है कि आपकी इंटरव्यू क्लियर हो चुकी है, ज्वाइन एग्जाम क्लियर हो चुकी है, अब बस आपको ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग ऑफर लेटर का वेट करना है। ठीक है, तो उसके बाद जो का ऑफर लेटर जनरेट हुआ था 19/10/2021 को जनरेट हुआ था, फिर ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया गया 19/10/2021 को, और ILP एलिजिबल के लिए इन्होंने 22/10/2023 को, और इसके बाद देख सकते हैं ILP शेड्यूल जो है 21/5/2023, और जो है ज्वाइनिंग लेटर रिलीज जो हुआ 21/5/2023। ठीक है, तो आप यहाँ क्या देख सकते हैं कि 2021 में इन्होंने फॉर्म फिलअप किया, 2021 में यहाँ मैं लिख देता हूँ 2021 में इन्होंने फॉर्म फिलअप किया, लेकिन 2023 में जो है इनकी ज्वाइनिंग हो रही है। ओवरऑल देखें तो 2 ईयर की डिले चल रही है, यानी 2 साल के बाद इनकी ज्वाइनिंग हो रही है। और TCS ने जैसे ही बताया था कि हम एक एक बच्चे को, जिनों की सिलेक्टेड हैं, जैसे भी सिलेक्टेड हैं, उन सारे बच्चों को ऑफर लेटर के थ्रू ऑनबोर्ड करेंगे और आपकी ऑनबोर्डिंग जरूर होने वाली है, ज्वाइनिंग जरूर होने वाली है। तो यदि आप लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं तो TCS के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, आपकी ज्वाइनिंग जो है श्योरिटी है जी, आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। लेकिन डिले होगी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी कोई नहीं ले सकता है, और कब होगी इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं बता सकता है, लेकिन आपकी ज्वाइनिंग जरूर होगी। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 2021 में जो है ये बच्चे की सिलेक्शन हो चुकी थी, ऑफर लेटर भी एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन ज्वाइनिंग जो है आपकी 2023 में हो रही है। टोटल 2 ईयर का डिफरेंस है, यानी 2 साल के बाद इनकी ज्वाइनिंग हो रही है। भले IT कंपनी जो है अभी ज्वाइनिंग काफ़ी डिले करी, ऐसा यही नहीं है कि TCS कर रही है, विप्रो भी है, इन्फोसिस भी है, कॉग्निजेंट भी है, कैपजेमिनी भी है, एम्फेसिस भी है, जेंसार भी है, बहुत सारी कंपनियों का जो है ऑनबोर्डिंग अभी डिले चल रहा है, ऑनगोइंग है।
लेकिन कुछ लोगों का जो है काफी डिले चल रहा है, और कई लोग जो है अब तो अप्लाई देना भी बंद कर चुके हैं। जैसे इंफोसिस कंपनी जो है अब रिस्पॉन्स करना बंद कर चुकी है, धीरे धीरे लोगों को रिस्पॉन्स कर रही है, कुछ लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। कई लोगों का ऑफर लेटर जो है अब रिजेक्ट भी हो चुका है, कई लोगों को जो है सिलेक्शन के बाद रिजेक्शन का मेल भी आ चुका है, कई लोग जब कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं उनको टर्मिनेशन का मेल भी आ जाता है, लेकिन टीसीएस में ऐसा होने वाला नहीं है। तो यदि आप टीसीएस के लिए वेट कर रहे हैं तो थोड़ा और वेट कर लीजिएगा, हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपकी भी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो अभी क्या करना है आपको, अभी के लिए जब भी आपको सर्वे मेल मिलेगा तो आपको सर्वे मेल फिल करना है। फिलहाल जिनको भी सर्वे मेल मिला है वो 24 मई 2023 यानी कल तक फिल कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी आप वीडियो बात कर रहे हैं तो तुरंत जाकर आप इसे जरूर फिलअप कर लीजिएगा, ताकि आपकी ऑनबोर्डिंग और ज्वाइनिंग शेड्यूल किया जा सके। और आने वाले दिनों में जो है जून में अभी और भी ज्वाइनिंग का मेल आने वाला है और ज्वाइनिंग का डेट आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाद बाकी यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि कोई भी अपडेट हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड बाय बाय।